हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। सो तुलसी माला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन अ रेगुलर बेसिस मेरे पास आते हैं। पहले भी कम से कम 3-4 क्वेश्चन आंसर सेशन मैंने रखे हैं तुलसी माला के ऊपर। तो आज एक और राउंड रखने वाली हूँ जिसमें पेंडिंग क्वेश्चंस जो कि पहले पूछे गए थे और जिसका जवाब हम नहीं दे पाए थे तब, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे, उन क्वेश्चंस का रिप्लाई आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि मैंने गलती से द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता तुलसी के वृक्ष से प्लक कर लिया था, पर मैंने ठाकुर जी की सेवा के लिए किया था। बाद में मुझे आपके एक वीडियो देख के पता चला कि तुलसी के पत्ते को द्वादशी के दिन टच भी नहीं करना चाहिए, तो अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं? हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी के वृक्ष को इन दिनों में टच नहीं करना चाहिए, जिसमें ट्यूसडे संडे द्वादशी का दिन इंक्लूडेड है, और किसी भी दिन रात को तुलसी के वृक्ष में पत्ते को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पत्ता अगर टूट गया, तुलसी पत्ता, तो उससे हमें अपराध होता है। अब मान लीजिए ट्यूसडे को या संडे को आपको भगवान केशव के, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री राम के भोग लगाने के लिए तुलसी पत्ता चाहिए होते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? या फिर आपने गलती से द्वादशी के दिन उठा लिया हो तो उस केस में कैसे प्रायश्चित करेंगे? द्वादशी के दिन तो गलती से भी प्लक नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले आप प्लक करके रख सकते हैं, लेकिन द्वादशी के दिन नहीं करना चाहिए। और ट्यूसडे और संडे की जो बात है उसमें अगर आपको करना है लेकिन आपको परमिशन चाहिए, तो परमिशन लेना है इस मंत्र का पाठ करके। तुलसी अमृत जन्माशी सदा त्वम केशव प्रिया केशवार्थम चिनोमी त्वम वरदा भाव शोभने। इसमें हमें तुलसी माता से ये परमिशन लेना चाहिए कि आपके वृक्ष से आपके तुलसी का पत्ता लेके मैं अपने प्रभु के और आपके प्रभु के सेवा में ही यूज करने वाली हूँ, इसलिए कृपया देवी मुझे परमिशन दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि आपका वृक्ष में वर्जित दिनों में आपके वृक्षों से पत्ता उठा रही हूँ, इससे मुझे कोई अपराध ना हो। ऐसा करके हम तुलसी का पत्ता प्लग कर सकते हैं ट्यूसडे और संडे को, लेकिन द्वादशी के दिन गलती से भी प्लक नहीं करना है, और किसी भी रात को, किसी भी दिन रात को आपको गलती से टच भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम अपने घर में तुलसी का वृक्ष रख के तुलसी जी का पूजा सेवन कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि तुलसी कृष्ण प्रेयसी है, जहाँ पे तुलसी देवी नहीं है वहाँ पे कभी भी भगवान श्री हरि वास नहीं करते हैं। और जब ऐसा, मैंने एक पहले वीडियो में एक श्लोक में रेफरेंस के साथ बोला था कि ऐसा भी हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस स्थान में तुलसी देवी का वृक्ष है वो स्थान तीर्थ बन जाता है और उसमें भगवान श्री केशव आके वास करते हैं। तो किसी के घर में अगर तुलसी का वृक्ष है, वो तुलसी के वृक्ष का परिक्रमा करते हैं, तो उसको तीर्थ में, धाम में परिक्रमा करने का फल घर बैठे बैठे मिल जाता है। तो आप घर में बिल्कुल रख सकते हैं और रख के तुलसी देवी की सेवा पूजा कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप तुलसी देवी की सेवा पूजा पूरे निष्ठा के साथ करते हैं, आप खुद देखेंगे कैसे आपके घर में सुख समृद्धि से आपका घर भर जाता है और कैसे वो आपको कृपा करके भगवान श्री हरि के और भी निकट लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि जैसे किसी की डेथ हो गई हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, तो हम ऐसे घर में जाते हैं जिस घर में कभी कभी नियम के पालन होते हैं, तो बहुत सारे रूल्स का वो फॉलो करते हैं और करना चाहिए भी। तो यदि हम उनके घर में जाते हैं, सपोज किसी की डेथ हो गई है, उनके घर में गए हैं, तो क्या वहाँ से आने के बाद मुझे तुलसी माला को उतार देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारे शास्त्रों में मेंशन है कि तुलसी देवी किसी भी परिस्थिति में इम्प्योर नहीं होती है, वो तो हमारे शरीर को शुद्ध बनाती है। ऐसा नहीं है कि हम कंटामिनेटेड है तो इसलिए तुलसी देवी भी कंटामिनेटेड हो जाएगी, ये तो माला के रूप में हमारे कंठ में विराजमान है, वरना ये तो देवी है जो वैकुंठ में भगवान श्री नारायण के साथ वास करती है, ये कोई नॉर्मल माला या नेकलेस नहीं है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जैसे नॉर्मल कोई नेकलेस हो या नॉर्मल कोई कवच हो, उसको जैसे चेंज करते हैं
उसी तरीके से वो तुलसी माला को सोचते हैं कि ये भी कोई नॉर्मल पेंडेंट जैसा है, इसको चेंज करना चाहिए। लेकिन तुलसी माला कोई शो ऑफ या कोई ज्वेलरी नहीं है, इस बात को मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि आजकल लोगों में ये फैशन हो गया है तुलसी माला पहनने का। कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन तुलसी माला पहन लिया है। बाहर जाके नॉनवेज भी खाते हैं और कभी तुलसी माला पहनते हैं मंदिर आते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके बिहेवियर में ये नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि आप तुलसी माला को पहन के तुलसी माला का अपमान कर रहे हैं और भक्ति के सनातन धर्मियों को और भक्तों को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए अपने बिहेवियर से लोगों को सिखाए, और तुलसी माला पहनने की ज़रूरत नहीं है अगर आप नियम पालन नहीं कर सकते हैं। जब आप रूल्स फॉलो करेंगे तभी तुलसी माला पहनिए। ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई शो ऑफ नहीं है कि तुलसी माला पहनना ही पड़ेगा। जब आप सटीक तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से नियमों का पालन करेंगे, बिल्कुल आपका माया नहीं रहेगा कि मुझे बाहर जाके खाना ही है, तभी तुलसी माला पहनिए। वरना तुलसी माला पहन के तुलसी माला का अपमान मत कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है, ये तो मेरे हर वीडियो में आता है कि क्या हम अनियन गार्लिक खाने के बाद तुलसी माला को कंठ में धारण कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि हाँ कर सकते हैं, वो पहनने के बाद धीरे धीरे हमारा माइंड चेंज हो जाएगा और धीरे धीरे हम ऐसे अट्रैक्ट हो जाएंगे वेजिटेरियन फूड के ऊपर, सात्विक भोजन के ऊपर, कि हम तुलसी माला पहन के हमारे अंदर चेंज आ जाएगा। लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें ऐसे कोई भोजन करके, तामसिक भोजन, अनियन गार्लिक जो है ये तामसिक भोजन होता है जो सात्विक नहीं होता है, इन चीज़ों का सेवन करके तुलसी माला पहनते हैं तो हमें खुद अपराध होता है। हमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत जल्दी होता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, मुझे अनियन गार्लिक छोड़ना है, लेकिन मुझे खाना भी पड़ता है डेली, बाहर भी खाना पड़ता है, मेस में, हॉस्टल में खाना पड़ता है, और मेरे घर वाले मानेंगे भी नहीं, तो मैं क्या तुलसी माला पहन सकती हूँ? आप नहीं पहन सकते, आप जप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी देवी जो आपके कंठ में है, आप सोच के देखिए, जो अनियन गार्लिक आपके थ्रोट में जा रहा है, गले में, तो तुलसी देवी बैठी हुई है, तो आपको कितना अपराध होता होगा। बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे आपको, मैंने बहुत वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हाँ अनियन गार्लिक खाने के बाद भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हो, धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आएंगे। हाँ चेंजेस आएंगे, आप जब करो चैंटिंग स्टार्ट करो, आप जब ही चैंटिंग स्टार्ट करोगे ना, जब स्टार्ट करोगे, भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे कि अनियन गार्लिक के ऊपर आपका जो अट्रैक्शन है या आपको खाना पड़ता है, भगवान को इंतजाम कर देंगे, तब आपको खाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अनियन गार्लिक खाने के बाद तुलसी माला पहनना, ये तो शास्त्रों के अगेंस्ट है। आई डोंट नो ऐसे कैसे लोग इस चीज़ को रिकमेंड कर देते हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इसे ना ही बोलूँगी। अब बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि बहुत सारे मार्केट में तुलसी मालाएँ मिलते हैं, तो कैसे समझे कौन सा ओरिजिनल तुलसी माला है? तो इस क्वेश्चन का मुझे कन्फर्म नहीं पता, लेकिन मैंने किसी से पूछा था तो मुझे किसी ने, वृंदावन की एक माता जी ने बोला था कि ऐसे आपको करना है कि एक बोल लेना है, तो उसमें आपको पानी डालना है, उस पानी में तुलसी माला को डाल देना है। अगर 30 मिनट तक रखने के बाद तुलसी माला को 30 मिनट तक उस बोल में पानी के अंदर रखना है। अगर वो कलर छोड़ती है वो तुलसी माला, तो फिर वो तुलसी माला ओरिजिनल नहीं है। अगर वो कलर नहीं छोड़ती है, दैट मीन्स द तुलसी माला इज़ द ओरिजिनल तुलसी माला। तो इसका मुझे कन्फर्म नहीं पता, ये आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि अभी बहुत सारे जगहों पे तुलसी माला मिलते हैं, अब पहचाने कैसे कि वो ओरिजिनल है या नहीं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट, क्या हम तुलसी की माला से हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर सकते हैं? तो मैं ये प्रेफर करूँगी, अगर आप सभी नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि आप अनियन गार्लिक नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते, साथ ही साथ कोई भी तरीके का नशा नहीं करते हैं, कोई भी तरीके का जुआ खेलने जैसा कोई भी गैम्बलिंग आप नहीं करते हैं, या किसी इलिसिट या इल्लीगल रिलेशन में नहीं है। इलिसिट रिलेशन का मतलब क्या होता है, बहुत लोगों ने पूछा है, यानी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन जो अभी चल रहा है, जिसमें आप शादी नहीं करने वाले हो लेकिन रिलेशन में रहने वाले हो, तो इस चीज़ को इल्लीगल माना गया है। यदि आप अभी रिलेशन में हो लेकिन आगे चल के शादी करने वाले हो, दैट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल, तब आप तुलसी की माला से जप हरे कृष्ण महामंत्र का कर सकते हो, इनकेस अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं। अगर आप इन सभी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आपको अनियन गार्लिक खाना पड़ता है या नॉन वेज कभी कभी खाना पड़ सकता है, तो आप बेल के माला से हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं।
हरे कृष्णा महामंत्र का जप आपके मन को शुद्ध बनाएगा, आपके जो पाप है, हमारे दिल के जितने भी, हमारे मन में जितने भी पाप है, इम्प्योरिटीज़ है, वो सबको दूर कर देते हैं। और धीरे धीरे ये जो माया है, ये जो गंदी गंदी चीज़ें हैं, तामसिक भोजन है, इनसे ऑटोमेटिकली हमको दूर कर देते हैं। तब हम ज़्यादा से ज़्यादा और भगवान के क्लोज होते हैं। और उसके बाद जब हम इन चीज़ों से हट जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली तब ऐसा एक दिन आ जाता है जब हम तुलसी माला पहन सकते हैं, और तुलसी माला पहनने का इंतज़ाम भगवान खुद ब खुद कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस है मेरे पास, उसके लिए नेक्स्ट एक और दिन वीडियो लेके आऊँगी। और अभी सावन का महीना चल रहा है, इसलिए आप सभी को हर हर महादेव, महादेव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्णा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।